hello students welcome to sacred hearts online computer class i am your computer teacher himani messi and today we are going to start our fourth chapter formatting in microsoft word 2007 microsoft word is a word processor that helps you to create documents with a professional outlook it not only provides the facility to type and edit the text बट ऑल्सो ऑफरस फीचर्स टू एनहेंस द ओवरऑल अपेरेंस ऑफ द टेक्सट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जिसको कि प्रोफेशनल आउटलुक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ आपको टाइप करने की फैसिलिटी ही नहीं देता है बट यहाँ पर आप बहुत सारे फीचर्स को एड कर सकते हैं जिससे कि आपकी टैक्स की अपेयरेंस एनहेंस होती है इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न वेरियस बेसिक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टूल्स लाइक इंसर्टिंग मूविंग कॉपिंग चेंजिंग द फॉन्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट एक्सेट्रा इन दिस लेसन यू विल एनहैंस योर स्किल्स बाय लर्निंग सम एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। जो भी आपके प्रिवियस लेसन्स अभी तक आपने पढ़े हैं उन सब लेसन्स में हमने एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टूल्स तो के बारे में स्टडी किया है लाइक like, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना कॉपी करना फ़ॉन्ट चेंज करना अलाइनमेंट सेट करना एंड इस लेसन में हम उसके आगे के फीचर्स को स्टडी करेंगे सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अ फॉर्मेट पेंटर द फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज वैन यू वॉन्ट टू कॉपी एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक सच एज कलर फॉन्ट स्टाइल एंड साइज एंड बॉर्डर स्टाइल to अनदर सेक्शन ऑफ टैक्स और ग्राफिक format पेंटर एक ऐसा टूल होता है जिसको हम कॉपी करते हैं किसी भी एक फॉर्मेट को कॉपी uh, करने के लिए और उसको अप्लाई करते हैं किसी दूसरे सेक्शन पे पेस्ट करने के लिए नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो भी हम कॉपी करते हैं वो एज इट इज़ दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है बट फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ लिटल बिट डिफरेंट इट Only copies the format of the selected text and apply to the other section of the text. To execute this tool, you need to follow these steps. First, select the text or graphic, those formatting you want to copy. Click on the format painter button on the home tab in the clipper. क्लिपबोर्ड ग्रुप सबसे पहले आपको क्या करना है जिस टेक्स्ट की आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट दैट टेक्स्ट एंड यू नीड टू देन सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर बटन जो कि कहाँ पे अवेलेबल है आपके होम टैब पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में वो अवेलेबल है द पॉइंटर चेंजेज इन टू द इन टू अ ब्रश शेप नाउ ड्रैक द ब्रश ओवर द सिलेक्शन ऑफ टैक्स और ग्राफिक टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर पे क्लिक करेंगे वैसे ही कर्जर क्या होगा जो आपका पॉइंटर है वो आपका ब्रश में चेंज हो जाएगा और जैसे ही वो चेंज हो जाएगा फिर उस फॉर्मेटिंग को इट मीनस की फॉर्मेट आपका कॉपी हो चुका है अब उस फॉर्मेट को आपको पेंट करना है तो जहाँ पर भी जिस भी टैक्स पे आपको इसको अप्लाई करना है उस टैक्स पे आप जा करके ब्रश को उस टेक्स्ट के ऊपर से आप क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट जो प्रीवियस टेक्स्ट है जिसका कि आपने एट्रीब्यूट्स को कॉपी करा है वो आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा जो न्यू टेक्स्ट होगा वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा सो so, ये क्या है डिफरेंट टूल है फ्रॉम द कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर आपसे फॉर्मेट्स को क्या कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग सुपर इसक्रिप्ट एंड सब इस्क्रिप्ट द सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसिज द सिलेक्टेड टैक्स स्लाइटली अबव द पेस लाइन ऑन द कंट्रेरी द सब इस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसिज द सिलेक्टेड टैक्स स्लाइटली बिलो द पेस लाइन एंड मेक्स इट अपेयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इसके बाद जो अनदर टूल है हमारे पास फॉर्मेटिंग का वो है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कभी कभी कुछ टेक्स्ट को बेस लाइन के थोड़ा ऊपर या बेस लाइन के नीचे मूव करके लिखना होता है और ये हम हेल्प इस काम को करने के लिए हमें हेल्प करता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देता है एंड सब स्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे सेलेक्ट कर देता है तो इससे क्या होता है कि दोनों की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है और दोनों ही स्लाइटली नॉर्मल साइज से छोटे पेयर होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है ट्वेल्व स्क्वायर थ्री तो जो आपका स्क्वायर आप लिखेंगे वो आप कैसे लिखेंगे वो आपको सेलेक्ट करके जैसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री में फॉर्मूलेस लिखते हैं या हम कई जगह पे पावर का साइन देते हैं वहाँ पर हमारे ये सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट यूज होता है एंड टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी कैन डू जस्ट टाइप एम टू एंड सिलेक्ट टू आप सबसे पहले क्या टाइप करिए एम टू टाइप करिए और उसमें क्या सिलेक्ट करिए ओनली टू को सिलेक्ट करिए देन क्लिक ऑन द फोन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैप द फोन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर ना सबसे पहले आप क्या करिए एम टू लिखा टू को सिलेक्ट करा एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक करिए जो कि होम टैब पे अवेलेबल है और क्या होगा जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा सिलेक्ट द सुपर स्क्रिप्ट चेक बॉक्स अंडर द इफेक्ट सेक्शन क्लिक ओके जो सुपर स्क्रिप्ट का जो बॉक्स है जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करिए जैसे आप क्लिक करेंगे वो टिक हो जाएगा और उसके बाद ओके okay पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे यू विल नोटिस दैट टू विल बी प्लेस्ड अबव द बेस लाइन टू जो है जिसको हमने टू को सिलेक्ट किया था वो बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और उसके फॉन्ट साइज जो है वो लिटिल बिट क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा नॉर्मल टैक्स से सो दिस इज़ द सुपर स्क्रिप्ट सो दिस इज़ ऑल फॉर टू लेसन विल मीट अगेन टिल देन को